थाने पुलिस ने एक स्क्रैप डीलर और रिक्शा चालक को किया गिरफ्तार, दो पिस्टल और कारतूस बरामद। थाने शहर की पुलिस ने मंगलवार को एक स्क्रैप डीलर और रिक्शा चालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पकड़े गए आरोपी फरवरी 2022 में एक दुकान में घुसकर दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने का दावा किया है। राबोड़ी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष घाटेकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस एक मामले की जांच कर रही थी जो कि घरफोड़ी से जुड़ा हुआ था। इस मामले की जांच करते करते उन्हें ये आरोपी मिले जिन्होंने 2022 में दुकानदार के साथ यह वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उस मामले को सुलझाने का दावा किया है। यह घर की रेकी कर घरों की लूटपाट भी किया करते थे और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें दो जिंदा कारतूस और पिस्तौल के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच थाने पुलिस कर रही है। ब्यूरो समय नेशनल थाने। पुलिस स्टेशन राबोड़ी में एक हाउस ब्रेकिंग का गुनाह रजिस्टर किया था। वो हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस में सस्पेक्ट एक्यूज रफीक महबूब शेख अलायस रफीक बाटला और दूसरा आरोपी रमेश कुंवर राम, इनका हाउस सर्च लिया। वो हाउस सर्च में ऑफेंस में चोरी की गई कैश मिली है, इसके सिवा बैंगल्स मिले हैं, गोल्डन बैंगल्स, और उसी वक्त हमें दो पिस्टल्स और दो राउंड मिले। वो पिस्टल्स और राउंड, इनके बारे में इंक्वायरी करने के बाद ये ध्यान में आया कि एक साल पहले फरवरी 2022 में एक अटेम्प्ट टू मर्डर का गुना एक पुलिस स्टेशन राबोड़ी में रजिस्टर था। वहाँ पर भी जो राउंड मिला था हमें, खाली केस मिली थी वो, और ये ऑफेंस में सीज किया गया पिस्टल का राउंड वो सेम थे। उसलिए उनको इंक्वायरी की इंट्रोगेशन में उन्होंने बताया कि पिछला जो अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस था वो भी ये लोगों ने किया था। तो जो एक साल पहले 307 का ऑफेंस रजिस्टर था उसमें आरोपी रमेश कुंवर राम वो गाड़ी चला रहे थे, आरोपी रमेश महबूब शेख अलायस रफीक बाटला उन्होंने फायरिंग की, और इनके साथ और तीसरा आरोपी था, उन्होंने कॉन्स्पिरसी करके ये गुनाह किया था। वो तीसरा आरोपी था अंजुम शेख। वो अंजुम शेख जो अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह दाखिल है, वो गुनाह में इंजर्ड पर्सन जो चेतन ठक्कर है उनकी मूवमेंट फोन पर इनको बता रहे थे। अभी तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है, तीनों आरोपियों का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उससे हम MCOCA के सेक्शन बढ़ाने के लिए हम प्रपोजल्स तैयार कर रहे हैं। रीजन क्या था मैडम? जो 307 दाखिल हुआ था उसमें एक्चुअली वो व्यापारी है, वो उनकी दुकान बंद कर कैश लेके जा रहे थे, कैश लूट कर लेके जाने के लिए उन्होंने फायरिंग की थी, लेकिन वो व्यापारी रुके नहीं, वो सीधा आगे ही चलते रहे, इसलिए उनका वो कामयाब नहीं हो पाए उसमें। इस मामले में कितने लोग इन्वॉल्व थे? इसमें तीन लोग इन्वॉल्व है, तीनों लोगों को हमने अरेस्ट किया है।